दिल्ली में चुनाव आयोग की हुई बड़ी बैठक, चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर भी चर्चा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी होगी घोषणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जताया एतराज, कहा CAA हमारा आंतरिक मामला, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये नागरिकता देने का कानून। आज शाम 6:15 बजे नीतीश का मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 12 विधायकों की सूची सीएम को सौंपी। JDU कोटे से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने बनाया नया फॉर्मूला, 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है RJD। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले से कांग्रेस खफा, सिर्फ 7 सीट कांग्रेस को देगी RJD, कांग्रेस का दावा 15 सीटों पर है दावा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा हम अंतरिम आदेश में इस तरह से कानूनी रोक नहीं लगाते। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सीताराम येचुरी ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा सरकार के फायदे के लिए चुनाव आयोग की हुई नियुक्ति। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आखिर ईवीएम पर कितनी याचिकाएं होंगी दाखिल। चुनावी बॉन्ड का नंबर न देने पर सुप्रीम कोर्ट का SBI को नोटिस, सोमवार तक मांगा जवाब। चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को मिला था 6,000 करोड़ का चंदा, गेमिंग कंपनी ने दिया सबसे ज्यादा चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड सार्वजनिक होने के बाद खुलासा। कपिल सिब्बल ने की इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच की मांग, कहा मामले की जांच के लिए हो SIT का गठन। कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर बीजेपी पर बरसे खड़गे, कहा 300 करोड़ रुपए फ्रीज, कैसे लड़ें चुनाव। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर RJD ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर बोला हमला, इलेक्ट्रल बॉन्ड को बताया घोटाला। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने की रैली, जनसभा को भी पीएम ने किया संबोधित। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश तोड़ने वाली पार्टी, तमिलनाडु में टूटेगा इंडिया गठबंधन का घमंड। पीएम ने DMK और कांग्रेस को बताया संस्कृति के विरोधी, कहा नए संसद भवन में किया सेंगोल का विरोध। 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी हैदराबाद में करेंगे रोड शो, कल नगर कुरनूल में जनसभा को करेंगे संबोधित। 17 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी, 3 दिन में 5 राज्यों में करेंगे रैली और रोड शो। 18 मार्च को तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी, जगतियाल में करेंगे चुनावी रैली, कई करोड़ की योजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आम आदमी पार्टी ने गुवाहाटी से उम्मीदवार के नाम लिए वापस, इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए छोड़ी सीट। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, राजकुमार चबेवाल आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, सीएम भगवंत मान ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। CAA पर अमित शाह को मिला मुख्तार अब्बास नकवी का साथ, कहा CAA नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा CAA का विरोध कर अपना ही खेल बिगाड़ रही है कांग्रेस। CAA के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई, कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जल्द की सुनवाई की मांग। CAA पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा सभी धर्मों को स्वतंत्रता और सभी के साथ समान व्यवहार ही लोकतांत्रिक सिद्धांत है। CAA के खिलाफ बयान से नाराज शरणार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों को पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने रोका, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। भारतीय नौसेना को राजनाथ सिंह ने दी सौगात, दिल्ली में भारतीय नौसेना भवन का किया उद्घाटन। अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा बेटी और व्यापारियों से खिलवाड़ करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बनेगा राज्य राजस्थानी क्षेत्र, लखनऊ और पास के 5 जिलों को मिलाकर बनेगा SCR। यूपी पेपर लीक पर DGP का बड़ा खुलासा, कहा गोदाम में लापरवाही की वजह से लीक हुआ पेपर। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में RSS की बड़ी बैठक, 17 मार्च तक होगी मीटिंग। RSS के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य का बड़ा बयान, देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बताया हिंदू, कहा सभी के पूर्वज हिंदू थे। 17 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा का होगा समापन, मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी बड़ी रैली। कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग, BSP ने की सरकार से भारत रत्न देने की मांग। नकली कैंसर दवाई मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई राज्यों में मिले गिरोह के तार।
भोपाल में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, ब्लास्ट से दहला पूरा इलाका। स्थानीय लोगों का आरोप, टेंट हाउस में की जा रही थी अवैध गैस रिफिलिंग। पटना में एमएलसी फ्लैट में मिला एक व्यक्ति का शव, हाथ पैर बांधकर हत्या की आशंका। मुंबई में फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुए ट्रेनी पुलिसकर्मी, रात को खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी। यूपी के मैनपुरी में बस स्टैंड पर महिला से मारपीट, खुलेआम दबंगों ने फाड़े कपड़े। यूपी के संभल में डिप्टी कलेक्टर से हुई ठगी, ऑनलाइन मंगवाए थे 30,000 के मेडिकल उपकरण, कंपनी ने भेजे नैपकिन के पैकेट। जी न्यूज़।